फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और आज है संडे, तो थोड़ा सा लेट उठी थी मैं और अभी करने जा रही हूँ पूजा। तो मैंने कहा ना आप लोगों को भगवान जी से मिला देती हूँ। और देखिए कितने सारे फूल मेरे गार्डन में निकले हैं, ये देखिए। तो इसमें गुड़हल है और कनेर तीन तरीके का है, येलो पिंक और वाइट, और चांदनी है इसमें, जैस्मिन है। तो कई सारे फूल हैं जो आज मैं तोड़ के लाई हूँ, भगवान जी पर चढ़ाऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं भगवान जी का दीपक जलना है और मेरी पूजा हो गई है। देखिए आज मैंने फेरी थी मलाई, जो घर में दूध आता है उसी से मलाई खट्टी करते हैं, तो वो फेरी थी। तो अब मैं इसको करूँगी गरम। इधर देखिए, इधर मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी खाने के लिए और कढ़ी के लिए। आज मैं कढ़ी बनाऊँगी और अभी मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने, तो बस उसी के लिए बेसन तैयार कर रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, ये बेसन मैंने तैयार किया है कढ़ी की पकौड़ी के लिए। तो चलिए पहले कढ़ी की पकौड़ी बना लेते हैं। देखिए ये बनाने जा रही हूँ मैं प्याज की पकौड़ी। तो इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और आलू पतला पतला काट के चिप्स की तरह, और उसमें बेसन, तो अभी मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी अभी। मिक्स करके चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मेरी कढ़ी की पकौड़ी बन चुकी हैं और अब मैं बना रही हूँ खाने के लिए प्याज वाली पकौड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए पकौड़ी बनके तैयार हैं। तो ये प्याज वाली हैं और इधर ये सादा हैं। छोटा बेटा प्याज की नहीं खाता है, तो उसके लिए सादा बनाई है और साथ में है दो तरीके की चटनी। तो चलिए खा लेते हैं। देखिए इधर मेरा इंडक्शन पे हो रहा है घी गरम। फ्रेंड्स देखिए मेरा घी गरम हो गया है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अभी इस लोटे में निकाल लूंगी, बाद में डिब्बे में करूंगी क्योंकि अभी गर्म है ये। तो चलिए निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये एक लोटे से कम है और ये है कम से कम 20-25 दिन की मलाई, तब जाके ये इतना निकला है। बहुत खराब दूध आता है, तो इस वजह से घी भी बहुत कम बनता है। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने। तो ये देखिए मैंने आधा किलो दही ले लिया था, उसको मत लिया है, और इसमें एक कप मिलाऊंगी बेसन। तो देखिए फ्रेंड्स बेसन तैयार है। इधर मेरा कुकर भी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका था और मैंने इसमें एक चम्मच जीरा और आधी चम्मच राई और एक चुटकी हींग की डाल दी है, और ये सब भुन गए हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें बेसन जो तैयार किया था, और अब इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है। देखिए मेरी कढ़ी बनके तैयार हो गई है, अब इसमें मैं छौंक लगाऊंगी। ये मैंने छौंक लगाने के लिए यहाँ पैन को गर्म कर लिया और इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल और 8-10 करी पत्ता, आधा चम्मच सरसों और 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च। अब मैं इन सबको भून लूँगी। ये मेरा भुन गया है और मैं इसको डाल दूँगी कढ़ी में। इधर मैं रोटी बना रही हूँ कि मेरा खाना बनके रेडी हो गया है। देखिए मेरी कढ़ी बन गई है, चावल बन गए हैं, रोटी बन गई है। चलिए अब लगा लेते हैं खाना फटाफट से और खा लेते हैं। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए मैं जा रही हूँ पार्लर, थोड़ा सा बाल मेरे ख़राब हो रहे थे तो उनको कटवाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ।
अपने बाल कटवा लेते हैं। बढ़ गया क्या इधर चार्ज? अभी 350 लग रहा था। कहाँ पेमेंट उधर करना? पेमेंट हो गया? महंगा हो गया पेमेंट, महंगा हो गया पहले से। पहले था 350, अब कर दिया 500। तुम मेरे पीछे काहे पड़े लड़ने, घुमड़म काहे हो है? क्या जा रहे है कि लड़ाई करे? अब सीधे घर शॉर्ट अप। ये भी डाल सही दर्द है भाई, सुन सही ना। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मैंगो शेक पीने के लिए। तब हम लोग आ गए हैं चश्मे वाले की दुकान पे, इनको करानी थी अपनी आई साइट चेक, तो अब यहीं पे हैं, ये अपनी आई साइट चेक करा रहे हैं। दो वाले तो पहले ऊपर के समझ रहे थे कि क्या आ रहा है, आर लिखा है नहीं हो गया, आप कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो आर मैंने देख लिया था, चेक पढ़ा था, नंबर चेंज हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मार्केट से आ गई हूँ घर और मैंने दूध गर्म करने रख दिया है और बनाऊंगी खाना। मैं यहीं पे अब ब्लॉग का एंड करूंगी क्योंकि अब मुझे खाना वगैरह बनाना है और टाइम हो गया है, 9 बज गया है, तो काफ़ी लेट हो गया है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और नए लोग हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि। Tell me that you love me, tell me it was worth it, all the pain you caused me, I know that we weren't perfect, I feel